आपका वेलकम करता हूं आज के इस सेशन में, जिसमें हम समझेंगे कि एक मास पुलिस सिस्टम दिया गया है और इसमें आपसे पूछा गया है कुछ सर्टन क्वेश्चंस, जिसमें कहा गया है कि फॉर ए गिवन फिगर एम ए, यानी इसका मास की बात कर रहा है, ए कितना दिया गया है 30 kg, एम बी एंड एम सी 5 kg, एम बी और एम सी, बी यहाँ से लगाकर यहाँ तक का पूरा एक ब्लॉक है। और आगे बोलता है रिस्पेक्टिवली ऑल कॉन्टैक्ट सरफेस, यानी जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट्स, एक तो यहाँ कॉन्टैक्ट है, एक यहाँ कॉन्टैक्ट है और एक यहाँ कॉन्टैक्ट है, तीनों जगह कैसी स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन आपको कैसा कंसिडर करना है, जीरो है ना, और जी की वैल्यू 10 कंसिडर करते हुए आपको इन चार क्वेश्चंस के आंसर देना है, यानी ये चार ऑप्शंस कह सकते हो। और ये क्वेश्चन मल्टीपल करेक्ट की है, तो सबसे पहले पोज करके आप इसके है ना सॉल्व कीजिएगा, अगर आता है और नहीं आता है व्हाटएवर जो भी आपकी वैल्यूज आती है वो उसको फिर फाइनली आप क्रॉस मैच करिएगा। तो चलिए बात को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि इसमें फोर्स कौन कौन सा लग रहा है। तो ये सी ब्लॉक पर एक डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कौन सा होता है, वेट होता है, और वेट क्या होता है, एम जी होता है, एम जी होता है, और एम कितना दिया है सी ब्लॉक का 5, तो 5G मैंने लिख दिया, तो 5G डाउनवर्ड लग रहा है। ऊपर क्या लग रहा होगा, टेंशन लग रहा होगा, कैसे, ये कनेक्टेड पॉइंट से अवे लगता है, कॉन्टैक्ट पॉइंट से अवे लगता है टेंशन, ये कनेक्टेड पॉइंट, ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो यहाँ से अवे लगता है, तो टेंशन कैसा हुआ, इंटरनल फोर्स हुआ, और इसका नेचर कैसा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये कभी आ सकता है ना, तो आप ध्यान रखिएगा इसको भी, एक तो टेंशन इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अकॉर्डिंग टू SC वर्मा सर, है ना, जहाँ पर आप पढ़ेंगे SC भी तो उसमें मिल जाएगी इस टाइप की चीज़ें। तो यहाँ पर ये और ये भी आपके पास आ गया टेंशन। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ये टेंशन, ये टेंशन, अब यहाँ हम समझते हैं कि टी लग रहा है, तो इसका टी इधर लग रहा होगा, ये कनेक्टेड पॉइंट, तो टी इधर लग रहा होगा, तो ये टी यहाँ पर लग रहा है। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, और वो बात ये ध्यान देने की है कि जब सी पर फोर्स कैसे लग रहा होगा, तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो ये टी इधर लग रहा किस पर, ए ब्लॉक पे, तो ए ब्लॉक किधर भाग रहा होगा, इधर भाग रहा होगा, किस एक्सेलेरेशन से, तो उसका एक्सेलेरेशन का नाम मैंने A1 दे दिया, जब ये इधर भाग रहा होगा डेफिनेटली ये इधर आ रहा होगा, तो बी ब्लॉक किधर जा रहा होगा, बी ब्लॉक इसी को, इसकी एक्शन रिएक्शन पेयर को न्यूट्रलाइज करते हुए A2 से इधर जा रहा होगा, जाना ही पड़ेगा उसको, और क्या ऑप्शन है, ये A इधर जाएगा, ये रस्सी जो A से इस पुली तक लगी हुई है अगर सिकुड़ेगी तो डेफिनेटली ये इधर जाएगा, तो ये किधर जाना होगा, इधर, इस इधर, तो इसके एक्सेलरेशन यानी ब्लॉक A का एक्सेलरेशन मैंने क्या माना, 1 माना है या A1 माना है, तो A2 किसका माना है, बी का ब्लॉक जो कि लेफ्ट वर्ड, ठीक है, इतनी कहानी क्लियर है। तो सबसे पहले अपना एनालाइज करते हैं पॉइंट्स को, तो फॉर है ना ब्लॉक सी की मैं बात करता हूँ, है ना सी ब्लॉक को थोड़ा सा देखिए, सी ब्लॉक अगर मैं बात करूँ तो सी ब्लॉक कितना है, 5 kg का ब्लॉक है ना, 5 kg का ब्लॉक है, नीचे वेट लग रहा है नथिंग बट कितना लग रहा है, 5G लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है टी, तो इसको देखिए, और ये नीचे ड्रॉप हो रहा होगा, लेट से ये किस एक्सेलरेशन से ड्रॉप हो रहा है, देखिए ये ए से एक रस्सी बंधी हुई है और उस रस्सी होती होती यहाँ से होती हुई यहाँ तक चली है, यानी ए और सी एक ही रस्सी से कनेक्टेड, यानी ए जितना राइटवर्ड खिसकेगा उतना जितना रस्सी ये ढीली करेगा, यानी कहने का अर्थ कि एक्स जितनी रस्सी लूज करेगा उतनी ही रस्सी एक्स सी गेन करेगा, यानी जो स्ट्रिंग इतनी लूज होगी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते तो वी ए इक्वल टू वी सी मिल जाएगा, और फर्दर एक्सेलरेशन के लिए करें तो ए इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ ए सी, तो बराबर मिलेगा, तो ए ए का एक्सेलरेशन मैंने A1 माना, तो ये भी जिस डाउनवर्ड एक्सेलरेशन से जाएगा वो A1 ही होगा, तो इसके लिए FBD ये मैंने ड्रा किया, तो F इक्वल टू MA लगाते हैं सीधा इसमें, तो F कितना है, F नेट लिखा जाता, तो ये नेट नीचे की तरफ जा रहा है, यानी 5G ग्रेटर होगा, अब अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन है तो उसको माइनस कर दीजिए, तो ये 5 kg पर लगने वाला नेट फोर्स हो गया, तो F इक्वल टू MA, अगर M चेंज नहीं हो रहा है, तो M बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, तो M कितना है 5 kg है, और A कितना है A1 है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, इक्वेशन नंबर 1 ये नोट कर लीजिए आप, है ना अपने जहन में। अब मैं बात करने वाला हूँ दूसरी, इसके बाद अपन बात करेंगे किसकी, फॉर है ना A ब्लॉक के लिए बात करते हैं, A ब्लॉक के लिए बात करते हैं, तो देखिए ये A ब्लॉक कहाँ पर रेस्ट कर रहा है ना, ये कहीं ना कहीं रेस्ट कर रहा है, किस पे है, इस पे, ये ब्लॉक A है और A से जुड़ी हुई क्या है, एक स्ट्रिंग है जी, रस्सी है जिसमें टेंशन T है, और ये वाला B ब्लॉक इधर जा रहा है, कितने से जा रहा है,
ए टू से जा रहा है, ये ए टू से जा रहा है और ए वन इसके ऊपर बैठा हुआ, तो बड़ी ध्यान से समझने वाली बात है, है ना। क्या ध्यान से समझने वाली बात है कि ये ए टेंशन, तो ये जिस एक्सीलरेशन से जा रहा है उस एक्सीलरेशन का नाम ए वन मैंने दिया। तो यहाँ पर मैं ए ब्लॉक के लिए जो कंस्ट्रेंट इक्वेशन लिखूंगा, तो ये सिस्टम यानी फ्रेम, यानी सिस्टम या फ्रेम जिधर से जा रहा है तो उस पर जो बॉडी रहती है उस पर सूडो लगता है। हाँ बिल्कुल सूडो लगता है, यस। और वो सूडो जो होता है क्या होता है, मास ऑफ बॉडी, ए का मास कितना है 30 है और एक्सीलरेशन ऑफ सिस्टम कितना है ए टू है, यस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी जो आप हर बार मिस करते होंगे। तो टेंशन भी इधर और सूडो भी इधर, तो इसको हम एफ पी सूडो बोलते हैं। तो सूडो भी इधर क्यों, क्योंकि ए टू इधर जा रहा है तो सूडो अपोजिट में लगेगा, क्योंकि ये बी ब्लॉक है वास्तव में, तो बी ब्लॉक एज ए फ्रेम काम कर रहा है और ये मूविंग फ्रेम है, एक्सिलरेटिंग फ्रेम है। तो एक्सिलरेटिंग फ्रेम कैसी हुई, नॉन इनर्शियल फ्रेम हुई, और नॉन इनर्शियल फ्रेम पे सूडो लगाकर ही हम न्यूटन्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं। अगर सूडो हमने अप्लाई नहीं किया और मूविंग या एक्सिलरेटिंग फ्रेम है तो वो कैसी फ्रेम हो गई, नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन्स लॉस नहीं लगा सकते, उनको लगाने के लिए हमको सूडो इंक्लूड करना पड़ेगा। तो ये कंसेप्चुअल चीज़ें ऑलरेडी मेरे उन लेक्चर्स में है जहाँ पर मैंने इनकी बात कर रखी है थ्योरी की। तो अभी तो अपन न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं, तो एफ इक्वल टू एम ए अब लगा सकते हो सूडो को लगाने के। तो टेंशन और सूडो एक ही डायरेक्शन है, तो जोड़ दीजिए टी प्लस 30 A2 इक्वल टू नेट एक्सेलरेशन जनरेट हो रहा है, मास इसका अभी भी 30 है और जो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है वो ए वन है। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई, है ना। तो ये इक्वेशन नंबर मेरी कौन सी थी, पहली थी। ये वाली इक्वेशन नंबर मैंने कौन सी जनरेट करी है, दूसरी जनरेट करी है, ठीक है। और एक तीसरी इक्वेशन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, हालांकि वो इतनी बात इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी कर लीजिए। तीसरी इक्वेशन की बात मैं कर रहा हूँ टेंशन के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले आप यहाँ थोड़ा सा एनालाइज कीजिए कि ए वन इधर जा रहा है, ए टू बैकवर्ड जा रहा है और ये फॉरवर्ड जा रहा है। अच्छा, तो टेंशन के बारे में बात करता हूँ। टी, टी क्या होता है, टेंशन होता है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का होता है। तो टी इक्वल टू यानी टेंशन, तो इसमें टी क्या है, नेट टी जो है या जिस टी की बात करूँ जो इसको ड्रिवन कर रहा है ए टू और ए वन, तो ये जो टी लगा हुआ ये इसको इधर खींच रहा है टेंशन। तो नेट मास कितना मूव कर रहा है इस टेंशन के कारण, इसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बी और सी। तो जब ये बी इधर जा रहा होगा, देखिएगा बी इधर जा रहा होगा और इसका कांटेक्ट भी सी से है, तो कांटेक्ट लूज तो नहीं होगा। जब कांटेक्ट लूज नहीं होगा और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और कोई फोर्स नहीं है, तो डेफिनेटली मैं इसको लिख सकता हूँ कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बी और सी दोनों एक ही एक्सेलरेशन से मूव कर रहे होंगे और वो एक्सेलरेशन है ए टू, यस। तो मैं लिख सकता हूँ एम क्या है, एम बी प्लस एम सी, ये दोनों मास और वो जो नेट एक्सेलरेशन है ए टू। तो टी इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ, ये 5 के जी है तो 5 + 5 इंटू ए टू यानी नथिंग बट 10 A2। एक्सप्लेन करता हूँ इसको वापस से, क्योंकि कई लोगों को ये बात नहीं पच रही होगी कि ये कैसे आ गया, है ना। तो ये थोड़ा सा कंसेप्चुअली है जहाँ पर इस पर समझना है। तो देखो ये इक्वेशन नंबर मैंने तीसरी दे दी आपके सामने। तो देखो बी और सी हमेशा कॉन्टैक्ट में रहेंगे, बिल्कुल रहेंगे, कॉन्टैक्ट छोड़ेंगे नहीं। जब ये कॉन्टैक्ट नहीं छोड़ेंगे और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट ड्रिवन फोर्स टेंशन ही है, टेंशन के अलावा कोई ड्रिवन फोर्स है ही नहीं। यहाँ पर ये टेंशन एक दूसरे को कैंसिलाइज कर दिया, यहाँ पर भी एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, ये तो इसमें काउंट हो गया, लेकिन इस डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर कुछ नहीं। ये जो टेंशन है ये है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक ही टेंशन है जो इस रस्सी को सिकुड़ रहा है, कम कर रहा है, और ये रस्सी कम करे तो यहाँ से टेंशन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रिवन करने वाला टेंशन सेम होगा, यानी ये टेंशन और इधर, तो इधर मूव करने वाला बी और सी को मूव कराने वाला टेंशन ही है। तो ये मैंने टेंशन को लिखा, ये बात बड़े इंपॉर्टेंट है और आपको इसको समझना है। इतनी बात क्लियर हो गई, चलिए चलिए यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा। तो तीनों इक्वेशन को मैं एक बारी बारी से लिख देता हूँ, 5g - t इक्वल टू कितना आ गया, 5 A1 आ गया और ये टी प्लस 30 A2 इक्वल टू आ गया 30 A1 और एक टी की वैल्यू अभी मैंने निकाली थी 10 A2। ये तीन इक्वेशन और तीन वेरिएबल यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करें, 10 A2 और तो ये आ जाएगा सिंपल 10 A2 प्लस 30 A2 ऑलरेडी है, तो ये आ जाएगा 30 A2 इक्वल टू 30 A1। तो यहाँ से कितना आ गया, 4 A2 इक्वल टू 3 A1। ये डब्बे में बंद कर देंगे आप,
है ना, ये इम्पोर्टेंट, एक ये भी इक्वेशन नंबर फोर्थ बोल दीजिए इसको। तो एक रिलेशन A1 A2 में ये आया, तो A1 A2 में एक रिलेशन आ चुका है आपके पास, अब आसानी से आप कुछ भी निकाल सकते हैं। तो अब आपके पास ये आ चुका, तो अब मैं इस इक्वेशन के बारे में बात करता हूँ। तो 5G मतलब 50 आ गया, 50 माइनस टी की वैल्यू 10A2 आ रही है, 10A2 आ रही है, यस, इक्वल टू कितना आ गया 5, और A1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4A2/3, ये A1 की वैल्यू यहाँ से मैंने रिप्लेस कर दी। तो ये A2 पूरा आ गया, तो ये आ गया 50 है ना, और ये आ जाएगा 10A2, राइट साइड ले जाएंगे इस उधर, और ये आ जाएगा प्लस 5 4 20 A2/3 है ना, तो सबके जीरो उड़ा दीजिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाएगा। तो 3 और 2 5 A2/3 है ना, तो और ये 5 = 5 A2/3, 5 से 5 गया तो A2 मुझे निकल कर आ गया 3 और नथिंग बट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये A2 निकल के आया, और जब A2 निकल के आएगा तो A1 ऑलरेडी यहीं से निकल के आ जाएगा, कहाँ गया ये वाला रिलेशन, A2 आपके पास आया 3, 3 से 3 कट जाएगा है ना, A2 की वैल्यू 3 को 3, तो A1 कितना आ गया 4 आ गया, वेरी गुड। तो A1 4 आया और A2 3 आ चुका है, ये आपको नोट करना है, इतना स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं है ना। तो ये वाली कहानी आइए अब अपन, तो A1 कितना है 4 है, A1 4 है। चलिए अब यहाँ आ जाते हैं जहाँ अपना क्वेश्चन मेन क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन पे देखिए, बस आसान सी बात आ गई। अब आपके पास A1 और A2 निकल कर आ चुका है, तो ये A1 आया है इधर का, तो अब यहाँ देखिए ये रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, अब बनाते हैं ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक A है ना, तो A ये देखो ये क्या है A1 है ना, और यहाँ पर A1 है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन आप कितना कहेंगे कि ये यहाँ आ रहा है, तो अब इसके बारे में ये आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड, ये आ रहा है 3 मीटर पर सेकंड, तो नेट कितना आ जाएगा। तो ए नेट की बात करूँ, एक्सेलरेशन आप ए की बात किया जाए, तो ए आपके पास आ जाएगा है ना 4 - nothing but 3, तो ये आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। फिर बी की बात करते हैं, तो एक्सेलरेशन आप बी कितना है, वो तो A2 के बराबर है बी, तो और A2 कितना आया 3 मीटर पर सेकंड आ गया है ना, ये आ चुका है। और एक्सेलरेशन आप सी की बात करते हैं, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो सी देखो ये सी वाला जो ब्लॉक है ये कहाँ कहाँ कैसे कैसे गिर रहा होगा, ये एक तो A1 से गिर रहा है ना, A1 से गिर रहा है, A1 कितना है ये वाला A1, ये आ रहा है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ चुका है। और रिलेटिव एक्सेलरेशन एक इधर कितना आ रहा है, ये A2 आ रहा है, A2 कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो रिजल्टेंट कहीं इधर पास होगा इसका, और वो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर नथिंग बट ये कितना हो गया 16 + 9 = 25, तो ये 25 यानी 5 मीटर पर सेकंड किधर आ रहा है, बोलो सी का एक्सेलरेशन। तो सी का एक्सेलरेशन कितना आ जाए, तो ब्लॉक लिखा हुआ है यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है कि ए का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 1 आ रहा है, बी का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 3 आ रहा है, यस 3 आ रहा है, और सी का एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है रिस्पेक्टिवली, यस ये 5 मीटर पर सेकंड आ रहा है, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड ग्राउंड कितना फोर्स है, ये वाला ग्राउंड है और यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लगेगा है ना, कॉन्टैक्ट फोर्स कितना लगेगा, तो ये वाला कॉन्टैक्ट फोर्स अपन निकाल दें। तो चलिए समझते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स, तो एक तो इसका वेट लग रहा होगा है ना, तो यहाँ कॉन्टैक्ट फोर्स विथ ग्राउंड में लिखता हूँ, तो एक तो आ जाएगा 30G, यस, प्लस एक बी जो कॉन्टैक्ट में इसका 5G, यस, उसके बाद ये टेंशन भी तो डाउनवर्ड काम कर रहा है, और ये टेंशन भी इसी पर ही तो लग रही है, यानी एक टेंशन भी इसमें इंक्लूड करेंगे आप, यस, तो ये आ गया 300 + ये आ गया 50, और ये टेंशन कितना होगा, तो टेंशन मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ कॉन्स्टेंट इक्वेशन से, टेंशन मेरे पास अभी है नहीं, तो टेंशन क्या लिखी थी मैंने 5G - t = मैं क्या लिख रहा हूँ 5 A1, A1 कितना निकाला मैंने 4, तो ये आ गया मेरे पास 4, तो ये 50 - ये 20 आ गया, और ये टी, तो टी की वैल्यू मेरे पास आ गई है 30 N, टेंशन मेरे पास कितना आ चुका है 30 N टेंशन आ चुका, तो ये टेंशन मैं यहाँ डाल देता हूँ 30 N, तो ये आ गया कितना 380 N ग्राउंड पे जो है ना, ग्राउंड पे जो लग रही है क्या नॉर्मल रिएक्शन, वो कितनी आनी चाहिए नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड 380, और यहाँ कितना बचा है 350, नहीं ये नहीं होगा, और टेंशन कितना आ रहा
30 न्यूटन आ ही गया, तो ये वाला सही है। और कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन बी एंड सी, इस वाले को चेक कर लेते हैं। तो बी और सी में कौन फोर्स है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स और ये ही रहने वाला है जी। हाँ, बाकी कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ गया, बाकी कॉन्टैक्ट फोर्स की हमें पता या ज़रूरत ही नहीं है। कैसे कि यहाँ देखिए, तो ये आ रहा होगा यहाँ पर, तो मैं कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करता हूँ, बी एंड सी कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट में, तो नॉर्मल रिएक्शन है ना, नॉर्मल रिएक्शन एन वन बोल देता हूँ मैं, एन वन। तो जो भी ये इधर जा रहा है वो ये कि ये बी से एक्सीलेशन से और सी इनर्शिया के कारण यहीं रुकना पसंद करेगा, तो जो फोर्स हो जाएगा मास ऑफ सी, मतलब 5 मास ऑफ सी इंटू एक्सीलेशन, जो कि इस डायरेक्शन में ए टू है। तो मास ऑफ सी कितना, 5 इंटू एक्सीलेशन ए टू, कितना निकाला मैंने, 3 निकाला, ये 3 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो 15 न्यूटन आ गया। 15 न्यूटन ये एन वन आया जो कि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन, तो ये 15 भी सही। तो यानी करेक्ट ऑप्शन मेरे पास क्या क्या आ रहे हैं, करेक्ट ऑप्शन मेरे पास आ चुके हैं यहाँ पे, है ना। पहला ऑप्शन करेक्ट है, दूसरा गलत है, तो पहला, तीसरा और चौथा, ये 4 ऑप्शन मेरे सही आ रहे हैं। ये जो आपको